नमस्कार दोस्तों, मैं सम्राट सर। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि बिहार बोर्ड रिजल्ट 2018, बिहार मैट्रिक और इंटर के छात्रों ने रोल नंबर लिखने में की ये गलती। तो आइए जानिए कि बिहार बोर्ड के मैट्रिक और इंटर के छात्रों ने रोल नंबर में किस प्रकार की गलती की है। यहाँ पर जो न्यूज है इस प्रकार से है, बिहार बोर्ड रिजल्ट, बिहार बोर्ड इंटर में 30 से 40 हज़ार छात्र ऐसे हैं जिन्होंने अपना रोल नंबर डालने के बजाय अपने बगल में बैठे छात्रों का रोल नंबर डाल दिया। अब ऐसे छात्रों का रिजल्ट पेंडिंग में जाएगा, इसी को सुधारने में थोड़ा टाइम लग रहा है। जहाँ तक संभव हो सके बिहार बोर्ड सुधारने की कोशिश कर रहा है। बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा में इस बार कुल 17,70,042 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जबकि इंटर की परीक्षा में 12,80,000 पंजीकृत थे। बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा 21 फरवरी से 28 फरवरी तक चली थी, जबकि इंटरमीडिएट की परीक्षा 6 फरवरी से 16 फरवरी तक चली थी। पहली बार बिहार बोर्ड ने फरवरी में ही मैट्रिक की परीक्षा ली थी। इसके पीछे का उद्देश्य था कि जल्द से जल्द रिजल्ट देना था। इसके अलावा कंप्यूटर पर अधिक से अधिक रिजल्ट तैयार हो सके, इसके लिए 50% वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे। सब्जेक्टिव प्रश्न के लिए भी प्रशिक्षकों का OMR पर ही अंक देने की व्यवस्था की गई थी, जिसमें मैनुअल टोटलिंग के काम में अधिक समय न लगे, सारा काम कंप्यूटर के माध्यम से ही हो। जब बारकोडिंग सेंटर पर ही गड़बड़ी हो गई तो कंप्यूटर क्या करेगा। तो आप लोग जान ही रहे हैं कि बारकोडिंग गड़बड़ी के कारण ही रिजल्ट आने में इतना विलम्ब हो रहा है। बारकोड केंद्र पर फिर गलती होने से रिजल्ट में देरी होगी। अगर बारकोड गड़बड़ी नहीं होती तो अब तक रिजल्ट तैयार हो जाता, लेकिन जब सारे रोल नंबर का विषय बारकोड मिलान नहीं होगा तब तक रिजल्ट तैयार नहीं हो पाएगा। अगर यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।